مقابلہ سٹارٹ ہوتا ہوگا پہلی رن سنیل سلا کنڈکٹر سلا کنڈکٹر کے نام سے مشہور ہے یہ کھلاڑی بھائی پارا نمبر 10 میں اور اس کا نش کرنے کا جو اسکل ہے بھائی وہ لاجواب کمال کا مقابلہ دیکھنے کو ملا ساتھ دوسری طرف چیتن چیتن بھی ایک اچھا کھلاڑی ہے نیشنل اسٹینڈ کبڈی کی اگر بات کریں تو اچھا پردرشن کیا ہے پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کی جائے تو اس کھلاڑی نے دھیان اپنی طرف آکرشت کیا ہے پرو کبڈی اور بھائی کیا بہترین یہ پریاستا اگر ہاتھ نکلا تو بہت بڑی یہ ریڈ ثابت ہوتی لیکن سمے پر سپورٹ آیا ساحل کا جو کہ تمل چلائے باز کے بہترین لمبا رننگ رائٹ کارنر کو نشانہ بنایا ایک اور نئے کھلاڑی کا آگمن ریڈ میں چیتن مہارت سمے ہیمانسو زبردست لگائی ہے سیم کیچ دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی دونوں طرف سے مقابلہ رومانچک ہے ایک ایسی ہی کیچ لگائی تھی تمل تلائی باز ٹیم نے جو کہ سینٹر لائن تک ہاتھ پہنچا تھا لیکن گروش نہیں ہوا موہت اور بنگالی رونق نے لگا دی ایک اور کیچ موہت کو پانچ کے ڈیفینس میں ہوئی سال ایک نمبر جرسی میں سانگھی کبڈی ٹورنامنٹ کے اتہاس کا روچک مقابلہ اس سمے آپ کے سامنے اسکرین پر چلتا ہوا آزادیوں دونوں طرف اسٹار کھلاڑیوں کی فوج ہے ایک طرف پرو کبڈی کے ستارے سارے کے سارے تمل تلائی باز کی ٹیم میں تو دوسری طرف بھائی یوبا چہرے جو اپنے آپ کو پردرشت کر رہے ہیں سبھی کے سامنے اور دھیان اپنی طرف کھینچ رہے ہیں پرو کبڈی کوچز کا سانگھی کبڈی ٹورنامنٹ کا مقابلہ بونس کا اٹیمپ کیا ہے اور فل بونس ملے گا بھائی رومان سے بھرپور رہے گا یہ مقابلہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس مقابلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کون مارے گا بازی کون جیتے گا یہ مقابلہ موہت جاکھا نام ہے اس کھلاڑی کا پانچ کے ڈیفینس میں ڈو اور ڈائی ریڈ ہے
हालांकि ऑलराउंडर खिलाड़ी है मोहित, लेकिन भाई टांडा का एंकल होल्ड भाई डैश देखने को मिला है मनजीत का। राहुल इस समय रेड पर, रेड की भूमिका में राहुल, एक और एमपी रेड, ऑफिसर टाइम आउट दिया गया है विशाल। मनजीत आए सामने से, मनजीत भी ये कैच में बहुत देखने को मिलती है, एक और कैच लगा दी है सेम कैच, जब मनजीत एक हाथ गर्दन में डालते हैं दूसरा हाथ टांगों के बीच में डालते हैं, वो कैच कमाल की देखने को मिलती है। वैसे ही एक कैच यहां लगा दी है मनजीत ने, वही तो बंगाली, और भाई अगर निकला तो बड़ी रेड साबित होगी, और भाई निकल गया है हाथ, एक दो तीन या चार कितने पॉइंट है रिव्यू की मांग कर रहे हैं। सुनील ने बहुत समय रोक के रखा था और निकल गया हाथ भाई, ये स्केप जबरदस्त है, रूट कहां से ढूंढा, कहां को निकले, सुपर रेड ये करती है। स्कोर की बात करें भाई 7-3 का स्कोर है, और इस सुपर रेड के साथ चार पॉइंट की लीड में सोमोनी तमिल तलाई बाज पे चढ़ रही है, क्या वापसी करेगी, और भाई कैच लगाई है किसने, नाम है नवीन। स्कोर की बात करते हुए स्कोर हो गया टांडा का, ये बैक होल्ड वंशों पे साफ जाहिर कर रही है दोनों ही टीमें, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहते। एक और सुपर टैकल, एक सागर राठी तो दूसरी तरफ हुए, झटके लग रहे हैं, झटके अभी भी जारी है, झटके जारी, ये सुपर टैकल कामयाब हुआ, बिल्कुल जबरदस्त ये सुपर टैकल है, माथा पकड़ लिया है चेतन भाई, कमाल का टैकल देखने को मिला, दूसरा लगातार सुपर टैकल, बहुत जबरदस्त भाई स्ट्रगल था, और स्ट्रगल में बाजी मारी डिफेंस ने, कमाल का टैकल देखने को मिला है, सुपर टैकल को अंजाम दिया, दूसरा सुपर टैकल लगातार दो घंटे में फिर से कामयाबी मिली है विशाल कोहल की। मैं कॉल करता हूँ भाई, इस पॉइंट के साथ 9-8 स्कोर हो गया है, एक पॉइंट की लीड में तमिल तलाईवाज की टीम, भाई स्कोर की बात करें तो 9-8 का स्कोर हो गया, एक पॉइंट की लीड मात्र तमिल तलाईवाज के पास है, लेकिन वापसी की अच्छी, और वापसी कराने में अहम जो योगदान था वो दो सुपर टैकलों का था, जो लगातार दो सुपर टैकल किए थे, एक नवीन ने दूसरा राठी ने भाई, एक और एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी, और विशाल चहल जल्दी रेड की है, छोटी रेड की है, मतलब डू और डाई पर खेलना चाहते हैं, बिल्कुल डू और डाई, वो स्केप जबरदस्त था मोहित का, जब वो रूट लिया था भाई मोहित का, ये डैश है मोहित जाखड़ का, ये डैश है टू और डाई रेड, चार का डिफेंस, और भाई स्केप जरूर ले रहे थे, लेकिन एक और टैकल देखने को मिला है, टोटल टू वर्ड है प्रेम कमला,
से भरपूर ये मुकाबला देखने को मिला क्या ही और है बिल्कुल चेतन साहू इस समय रेड का भार संभाले हुए खिलाड़ी एक और एम्प्टी नेट टोटल मुकाबला भाई 10-9 का स्कोर है एक पॉइंट की लीड में समय तमिल तलाईबाज की टीम कर रहा थी भाई कमाल कर रहा है खिलाड़ी डू ऑर डाई राइट शीला कनेक्टर भाई सब रेड में है चार का डिफेंस दो की चैन लेफ्ट में दो की चैन राइट में और भाई डिफेंस टूट नहीं रहा एक खासियत है इस डिफेंस की एक टांडा की खासियत है एक और डबल हाई कोर्ट में देखने को मिला है से भरपूर ये मुकाबला समय काटेंगे जाके लीड लीड में जरूर है टीम लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं है अभी फिर से वही प्रयास एक और एम्प्टी नेट चेतन सागर राठी परेशान कर रहे हैं भाई मध्यांतर के समय साथियों स्कोर की बात करें तो मैं लेके चलता हूँ स्कोर भाई 12-10 का स्कोर है 2 पॉइंट की लीड में तमिल तलाईबाज की टीम है इस समय पिछड़ रही है मोहित वाला 2 पॉइंट से मोहित और बंगाली एक सुपर रेड इस मुकाबले में लगी है एकमात्र जो कि मोहित ने लगाई थी वो री रेड है भाई इस मुकाबले में लेकिन भाई मुकाबला रोमांचक है नवीन को अंदर लेकर आए थे और नवीन ने काम किया था वो जो सुपर टैकल को अंजाम दिया था मजीद टोटल मुकाबला डू ऑर डाई पर शुरू से लेकर अभी तक चला है एक और है फिर नाम है हिमांशु क्या वो काम कर पाएंगे जिस काम के लिए भेजा गया है लेकिन फिर से वही
एम्प्टी रेड के साथ लौटना होगा। हार्ड राइट वो डायरेक्ट लेकिन भाई एक हल्की क्या था ना गुड़की दी थी कि काम बन जाए तो बन जाए, नहीं बना तो दोबारा ट्राई करते हैं और वही काम किया, पॉइंट मिला। तीन खिलाड़ी कोर्ट में टांडा, दोनों एंकलों पर गए एक साथ और अंजाम दिया सुपर टैकल को। एक तरफ भाई सागर राठी तो दूसरी तरफ टांडा जलवा में खेल रहे हैं खिलाड़ी दोनों। राहुल सबरन और एम्प्टी नेट, मतलब फिर से एसोसिएशन टू वर्ड आएगी, पड़ रही अभी तक फेल आउट हो गए भाई नवीन, अपना भार नहीं संभाल पाए भाई। साथियों स्कोर की बात करें तो 14-14 स्कोर बराबर है, दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हैं। ना तमिल तलाईवाज जीत रही है ना मोनी अथवाला हार रही है, स्कोर अभी भी बराबर है 14-14। और एम्प्टी नेट, हिमांशु भी एम्प्टी नेट करेंगे क्योंकि जानते हैं हिमांशु इस मुकाबले की अहमियत। राहुल बहुत अंदर तक रियाज किया था, मल्टी पॉइंट रैंक, दो पॉइंट मिलेंगे, ये अनुभव काम करता है भाई, अनुभव ने काम किया, अनुभवी खिलाड़ी। पॉइंट निकाल दिया, पॉइंट निकाला है भाई मंजीत ने भाई। शादी 15-17 का स्कोर है, दो पॉइंट की लीड में तमिल तलाईवाज। हिमांशु और भाई किसको निशाना बना दिया, निशाना बना दिया भाई, चेतन को परेशान कर दिया है आज मंजीत, बार बार चेतन को अंदर नहीं ला सकते हैं क्योंकि दो खिलाड़ी मात्र कोर्ट में बचे हैं और इन दो में दोनों डिफेंडर हैं। हालांकि मंजीत ने पहले चेतन की वापसी कराई थी, क्या बेहतरीन एस्केप का जब का, बार बार कभी इधर कभी उधर, लीड हो गई 3 पॉइंट की, दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल की सोचे प्रयास जारी है भाई, और भाई सुपर टैकल को अंजाम दे दिया, कंप्लीट किया ये सुपर टैकल। 17-18 स्कोर इस सुपर टैकल के साथ भाई, तीन सुपर टैकल लगे हैं इस मैच में और तीनों के तीनों सुपर टैकल दो के डिफेंस में लगे हैं। मोहित और बंगाली 5 नंबर जर्सी में, 17-18 का स्कोर, कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी। एमपी राय क्या एक और एमपी राय, बिल्कुल हार्ड राइट जोड़ा
अपने किक लगाने का प्रयास सागर राठी को एक और टैकल को अंजाम दिया। फिर से दो खिलाड़ी कोर्ट में, फिर से सुपर टैकल की कंडीशन, दो सुपर टैकल किए थे। तमिल तलाईवाज ने अपने आप को आउट से बचाया था, क्या दूसरा सुपर टैकल करेगी, लेकिन 2+2 पांचवी बारी तमिल तलाईवाज ने इस रेड में अंतर बढ़ता हुआ परेशानी बढ़ती हुई मौर्य द्वारा टीम की। अग्नि परीक्षा चेतन की और परीक्षा में अभी तक पास नहीं हो पाए हैं चेतन। कड़ी परीक्षा अंतिम 4 मिनट का समय शेष। और MP 17-23 का स्कोर है, 6 पॉइंट के लीड में तमिल तलाईवाज। नवीन सपने से आए थे, एक और पॉइंट मिलेगा चेतन को। हालांकि 4 मिनट का समय शेष है, 5 पॉइंट के लीड है, कुछ भी हो सकता है मुकाबले में, किधर भी बाजी पलटी जा सकती है। जेमनजीत का एडवांस टैकल कामयाब हुआ, लीड रह गई 4 पॉइंट की। मिनट 3 लीड है 4 पॉइंट की, कोई भी बाजी मार सकता है इस मुकाबले में। समय लेने में पूरा मोहित। सागर राठी सामने, साहिल गुलिया एक तरफ, और भाई एक कमाल का एक और ब्लॉक देखने को मिला है सागर का। अंतिम 2 मिनट का समय शेष। जी भाई कमाल का टक्कल देखने को मिला है जबरदस्त। पॉइंट मिलेगा एक और, दिक्कतें पड़ रही है, वापसी कर रही है मोनी अथवाला, नहीं दे रखी है भाई। वॉक लाइन क्रॉस तो कर ली है, समय का नहीं, अगली दो ढाई रन, सॉरी 21-24 टाइम आउट लिया है तमिल तलाईवाज ने। 21-24 स्कोर, 3 पॉइंट की लीड है तमिल तलाईवाज के पास। सुनील भाई चेतन, 1 मिनट का समय शेष है, लीड है 3 पॉइंट की। एक मल्टी पॉइंट रेड आपको इस मुकाबले में वापस उसी करा सकती है। पॉइंट मिला है एक और, क्रॉस ले रखी है, अगली दो अटाई आनी है। अगर जल्दी रेड करके जाएंगे पॉइंट लेके तो मुकाबला टाइप हो जाएगा, अगर अगर कैच लगा दी तो। ये भाई निर्णायक रेड साबित हो सकती है, लेकिन क्रॉस तो कर ली है। लेकिन भाई ये मल्टी पॉइंट रेड, ये मैच विनिंग रेड है, मैच विनिंग रेड होगी भाई।
क्योंकि यहां से लीड आ गई 4 पॉइंट की। अब 1 पॉइंट और दे दिया, 2 पॉइंट की लीड रह गई, पर वह अभी भी 3 पॉइंट की लीड है। मुकाबला समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। 23-26 के साथ बाजी मारी तमिल तलाब। धन्यवाद दोस्तों।